अमेरिका वाले मैं आपको तरीका बताऊंगी मसाले का गोश्त बनाने का। इसके लिए जो चीजें हमें चाहिए, हमें कटी हुई साफ सुथरी धुली हुई होनी चाहिए। मैंने पहले से वॉश करके काट के मैंने रख दी है। मसाले हमें चाहिए नमक मिर्च सूखा धनिया हल्दी टमाटर, हमें 2 से 3 कट चाहिए होंगे। ऑयल चाहिए होगा फ्राई के लिए करने के लिए भिंडी को। उसके अलावा हमें 2 तीन बड़े प्याज चाहिए होंगे जिसमें से आधा हम पहले यूज करेंगे और आधा हम बाद में। साइड पे कुकर में मैंने गोश्त गलाने के लिए डाल दिया है। इसमें पहले मैं ऑयल डाल के थोड़ा फ्राई करूंगी गोश्त। यहाँ पे हमारी भिंडी भी फ्राई हो रही है। भिंडी को हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना, बहुत ज्यादा हमने क्रिस्पी भी नहीं करना और बहुत ज्यादा हमने ढीली भी नहीं छोड़ना। यहाँ पे हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। आधा प्याज मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले यूज करूंगी उसको मैंने डाल दिया, शामिल कर दिया आधा प्याज। हाफ पनीर हम बाद के लिए रख देंगे। अब मैं गोश्त की भुनाई करूंगी ताकि इसकी स्मेल चली जाए। यहाँ पे हमारी भिंडी भी जो है स्टार्ट हो गई है फ्राई होना, अपना कलर जब थोड़ा चेंज करेगी उसके बाद हम इसको इसकी भुनाई को खत्म करेंगे। इसको हम जो फ्राई कर रहे हैं उसको हम खत्म कर देंगे, निकाल देंगे इसको ऑयल से। इसी में से आधा जो ऑयल है मैंने कुकर में शामिल कर लिया था गोश्त को भूनने के लिए। गोश्त भी हमारा भूनने स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे प्याज के साथ, प्याज और गोश्त मैंने इकट्ठे डाल दिए हैं, दोनों की भुनाई हो रही है। भिंडी का आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज हो रहा है। बहुत इजी और बहुत आसान रेसिपी है। यहाँ पे हमारे पास अदरक अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये मैं शामिल करूँगी गोश्त में ताकि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। भिंडी तकरीबन फ्राई हो चुकी है, अभी हम इसको थोड़ी देर तक निकाल लेंगे। बहुत अच्छा कलर दे रही है आहिस्ता आहिस्ता। गोश्त भी हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है, भुन चुका है। अब ये स्टेज आ गई है जिसपे हम इसमें टमाटर डालेंगे। 2 से 2.5 अदर टमाटर मैंने लिए हैं, जितनी मेरे पास भिंडी थी उसके मुताबिक इसमें इतने डालने थे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से हसबे जायका यूज़ कर सकते हैं। हमारे थोड़े घर में मिर्चें ज़्यादा ही इस्तेमाल होती हैं, थोड़ा स्पाइसी खाना यूज़ होता है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली हैं, वरना आप 1-1 टीस्पून भी यूज़ कर सकते हैं और जैसा कि आपका टेस्ट है उस तरह उस मुताबिक। भिंडी हो चुकी है फ्राई, अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी ऑयल में हम अब जो आधा प्याज हमने बचाया था उसको हम फ्राई कर लेंगे। भिंडी निकल गई है, साइड पे मैंने डाल दिया। अब इसमें हम इसी ऑयल में हम प्याज डाल देंगे फ्राई करने के लिए। अब यहाँ पे जो मसाला था वो भुन चुका है, इसमें मैंने पानी शामिल किया है ताकि मैं कुकर प्रेशर कुकर को बंद कर दूं और गोश्त को गलाने के लिए रख दूं। बिल्कुल इतना पानी डाला है कि जिसमें वो बस गल जाए और थोड़ा सा रह जाए। यहाँ पे प्याज भी फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई करके मैंने भिंडी के साथ डाल दिया है। फ्राई की हुई भिंडी के साथ गोश्त हमारा गल चुका है। अब उसी मसाले में मैंने फ्राई की हुई भिंडी और प्याज डाल दिया। अब इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। भूनते भूनते ही भिंडी आपको पता है बहुत सॉफ्ट सी सब्जी होती है, वो भूनते भूनते ही पक जाती है, और अगर फिर भी कसर रह जाए तो आप 1 से 2 मिनट या 3 मिनट दम भी दे सकते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको फ्राई भी किया था उसमें पक जाती है ये। आप देख रहे हैं ऑयल निकलने स्टार्ट हो गया है। अब दम देने वाला स्टेज आ चुका है, 1 से 2 मिनट को मैं दम दूंगी। दम देने के बाद इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। हमारी भिंडी तकरीबन तैयार हो चुकी है, अब देख रहे हैं उसका मसाला।
इसी तरीके से आप बगैर गोश्त के भी भिंडी बना सकते हैं, मसालेदार भिंडी बना सकते हैं आप। मसाला आप देख रहे हैं काफी मैंने थोड़ा ज्यादा रखा है ताकि उसका जो टेस्ट है, जो उसका फ्लेवर है, वो हमें भिंडी के साथ आए। थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर देंगे और ये हमारी भिंडी तैयार।